नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पिता एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर एक मासूम सी परी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पिता की उंगली पकड़कर वो पहली बार अपने नन्हे कदमों से चहल कदमी कर चलना सीखती है। फिर थोड़ी बड़ी होने के बाद अपने पिता के कंधों पर बैठकर दुनिया देखती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बेटे के लिए सबसे पहला सुपर हीरो उसका पिता होता है, जो उसकी खुशी और हिफाजत के लिए अपनी जान देने और किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटता। लेकिन आज के इस कलयुग में कुछ लोगों की घृणित मानसिकता और उनकी घिनौनी हरकतों ने बाप और बेटी के इस बेहद ही खूबसूरत रिश्ते को शर्मसार कर दिया है, तार तार कर दिया है। आज कई मामले ऐसे आते हैं जिसमें पिता या चाचा, कभी दादा ही अपनी बेटी या पोती के साथ हैवानियत की सारी सीमा लंघ जाते हैं। ऐसे में अब दो और ऐसे सब मामले सामने आए हैं जिसको जानकर इंसानियत शर्मसार तो हो ही जाएगी, साथ ही रिश्ते भी तार तार हो जाएंगे। आपको बता दें, ये मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जो अंबिकापुर शहर से लगे गंगापुर मोहल्ले में एक मासूम लड़की को उसी के बड़े पापा यानी कि पिता के बड़े भाई ने हवस का शिकार बना लिया। वहीं दूसरी तरफ दो दिन पहले जो मामला सामने आया उसे जानकर तो आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। जी हाँ, बता दें कि 12 साल की एक मासूम सी गुड़िया को उसी के पिता ने अपनी पत्नियत का शिकार बनाते हुए उसे अपनी हवस की बलि चढ़ा दिया। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में अपराध दर्ज कर पिता व बड़े पिता को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। चलिए अब आपको पूरे मामले से रूबरू कराते हैं कि आखिर ये दो मामले शुरू कैसे हुए और फिर ये खत्म कहां पर हुए। दरअसल छत्तीसगढ़ में गंगापुर के रहने वाली 12 साल की किशोरी घटना वाले दिन नवंबर 2020 को घर में अकेली थी। उसके माता पिता रिश्तेदार के घर गए हुए थे, जब मौका पाकर किशोरी के बड़े पापा ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं जब उसके माता पिता घर पहुंचे तो किशोरी ने अपनी आप बीती माँ को बताई, लेकिन उसके घर वालों ने अपराधी के खिलाफ लोकलाज के डर से कोई कार्रवाई नहीं करवाई और चुप्पी साध ली। वहीं दूसरी घटना तो और भी ज्यादा भयावह है, जहां 18 जुलाई की शाम को मोटर पंप रूम में चालू पंप को बंद करने गई नाबालिग लड़की को उसी के पिता ने कमरे में ले जाकर अपनी ही बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। और आपको बता दें कि इस बात का किसी को पता ना लगे इसलिए उसने उसको मार डालने की धमकी भी दी। लेकिन घर आकर जब किशोरी ने अपने साथ हुए अनाचार की बात अपनी माँ को बताई, जिसके बाद किशोरी के पिता द्वारा पुनः उसकी माँ को मारने पीटने की धमकी दी गई, जिसके बाद किशोरी ने अपने नाना नानी और मामा को बुलाकर पूरा मामला समझाया और अपनी आप बीती उनको सुनाई, जिसके बाद अगली सुबह गांधीनगर पहुंचकर किशोरी ने अपने नाना नानी के साथ मिलकर पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता के खिलाफ धारा 342, 376 दो, 376 सी और पॉस्को एक्ट, वहीं आरोपी बड़े पिता के खिलाफ 202, 376 ए बी और 506 व पॉस्को एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और उनको जेल भेज दिया है। आइए अब आप खुद सुन लीजिए कि इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। 12 साल की पीड़िता पिछले साल नवंबर 2020 में उसके माँ बाप जब घर में नहीं थे, उसके बड़े पिताजी के द्वारा घर के बाड़ी में ले जाकर उसके साथ गलत कृत्य किया गया था। और जब उसके माता पिता घर वापस आए तो अपने माँ को पूरी बात बताई थी, लेकिन उसके पिता ने उस समय अपराध पंजीबद्ध कराने से मना कर दिया था तथा उनको डराया धमकाया गया था। अभी 18/7/2021 की रात्रि में उसके पिता ने स्वतः उस लड़की के साथ बलात्कार किया है। जब वो अपनी माँ को पूरी बात बताई तो वो अपने नाना नानी और माँ के साथ आकर थाने में अपराध पंजीबद्ध कराई थी, जिस पे संबंधित धारा का अपराध पंजीबद्ध कर विचारणा की जा रही है। दोनों आरोपी दिसंबर चौहान और संजय चौहान को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। तो देखा आपने किस तरह से आज लोग इतने घटिया चरित्र के हो गए हैं कि ना तो उन्हें लोकलाज का खौफ है और ना ही देश के कानून और संविधान का। वैसे इस दल दला देने वाली खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।